बेटमा में हुए क्रिकेट विवाद के बाद उपजे विवाद को लेकर स्थानीय थाना परिसर में शांति समिति एवं नगर के प्रबुद्ध एवं गणमान्य लोगों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि जो भी इस घटना में दोषी है उन्हें सजा मिलना चाहिए और जो लोग बेगुनाह हैं वह फंसना नहीं चाहिए। देखिए ये खास रिपोर्ट। जी हाँ, बेटमा में हुई घटना को लेकर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें घटना को लेकर चर्चा की गई। इस शांति समिति की बैठक में अपर कलेक्टर राजेश राठौर, पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन, एडिशनल एसपी शशिकांत कनकने, जिला पंचायत उपाध्यक्ष गोपाल सिंह चौधरी, शहर काजी डॉक्टर इशरत अली, एसडीओपी आशुतोष मिश्र, पूर्व नप अध्यक्ष धर्मवीर सिंह चौहान, थाना प्रभारी संजय शर्मा मुख्य रूप से उपस्थित रहे। इस मौके पर एसपी महेश चंद्र जैन ने कहा कि बेटमा के सभी लोगों ने घटना को लेकर दुख व्यक्त किया है, सभी ने विश्वास दिलाया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। आज सभी बेटमा वासियों की, बेटमा के जिम्मेदार नागरिकों की एक मीटिंग बेटमा थाने पर बुलाई गई थी और मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी है कि बेटमा के सभी लोगों ने उस घटना को लेकर बड़ा ही दुख व्यक्त किया और सभी लोग उसके ऊपर शर्मिंदा हैं और सभी ने ये विश्वास दिलाया है कि इस प्रकार की घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। पुलिस और प्रशासन की तरफ से मैं उन सबको विश्वास दिलाता हूँ, इस पूरे बेटमा को विश्वास दिलाता हूँ कि जो सही होगा पुलिस करेगी और यदि किसी ने दोबारा से इस प्रकार का दुस्साहस किया, कानून हाथ में लेने का प्रयास किया, तो उसको हम अच्छे से सुधारेंगे। बैठक में आए लोगों ने कहा कि बैठक में सभी लोगों ने चर्चा कर यह तय किया है कि आगे ऐसी घटना न हो, साथ ही बेटमा की पुरानी संस्कृति कायम रखेंगे। बेटमा में इतिहास भी रहा है कि सभी ने मिलकर त्योहार मनाए हैं। सभी से अपील भी की कि लोग भाईचारे के साथ मिलकर रहें। इसमें निर्णय लिया गया कि जो दोषी है उसे छोड़ा नहीं जाएगा और जो निर्दोष है उस पर गलत प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। पुलिस स्टेशन बेटमा में आज शांति समिति की बैठक रखी गई। उस बैठक में सभी लोगों ने आपस में सौहार्दपूर्ण चर्चा कर ये तय किया कि जो घटना हुई उसको सब भूल जाएं और आगे भविष्य में ऐसी घटना नहीं हो, ऐसे हम सब लोग मिलकर के इस बेटमा की जो पुरानी वो है संस्कृति उसको कायम रखेंगे और बेटमा में सभी लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग मिलजुल करके इस बेटमा में विकास करेंगे और सब लोग भाईचारे से रहेंगे। ये सौहार्दपूर्ण वातावरण में मीटिंग हुई। बेटमा में अमन चैन कायम रहे, शांति रहे। ये माता अमन चमन की नगरी, गुरु नानक देव की नगरी है, जो इसके अंदर जो बेटमा में हमेशा चैन रहे और आगे भी बेटमा का पिछला इतिहास भी ये रहा है कि बेटमा में हिंदू मुस्लिम सभी ने साथ मिलकर ढोल ग्यारह और मुहर्रम का त्यौहार मनाया है और आगे भी मैं ऐसी नगरवासियों से और सभी हिंदू समाज और मुस्लिम समाज से अपील करता हूँ कि आगे भी जो है सभी त्यौहार, होली आ रही, मुहर्रम आ रहा है, जो भी त्यौहार आ रहे हैं, सब बारात आ रही, जो भी इसमें सभी लोग साथ मिलकर भाईचारे से रहें और इस बेटमा नगर की फिजा को खराब होने से बचाए। और इसमें प्रशासन ने भी पूरा 15 तारीख को जो घटना हुई उसमें प्रशासन ने और बेटमा थाने के जो स्टाफ है, अन्य जो भी ऊपर के अधिकारी लोग हैं, प्रशासन ने इस व्यवस्था को अच्छे से संभाला और जो इसके अंदर अभी निर्णय हुआ कि जो दोषी है उसको छोड़ा नहीं जाएगा, जो निर्दोष है उस पर कोई गलत प्रकरण दर्ज नहीं किया जाएगा। ऐसे सभी लोगों ने हिंदू समाज, हमारे आदरणीय गोपाल सिंह जी चौधरी साहब और मुस्लिम समाज तरफ से भी बात रखी और तो इसके लिए प्रशासन ने भी आश्वस्त किया है कि आगे भी जो भी होगा इस पुरानी घटना को सब भूल के आगे अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में रहें। बहरहाल देखा जाए तो बेटमा में हुई घटना को लेकर इस शांति समिति की बैठक में सभी ने एक स्वर में यही कहा कि जो दोषी है उस पर कार्रवाई हो और कोई बेगुनाह न फंसे। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, बेटमा।